नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बांदा ब्राह्मण और क्षत्रिय बिरादरी के साथ पुलिस को गाली देते हुए युवक का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक ब्राह्मण और क्षत्रिय बिरादरी के साथ पुलिस को गाली देता नजर आ रहा है। युवक वीडियो बनाते हुए नाव में सफर कर रहा है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर युवक की तलाश की जा रही है। बताते चले, पूरा मामला जनपद बांदा का है, जहां सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक जातिगत भेदभाव पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय जाति को गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ है और उसमें युवक द्वारा पुलिस को भी अपशब्द बोले गए हैं। युवक द्वारा 50 फायर मारने की बात कही जा रही है और तेंच कसते हुए बोला गया है कि पुलिस प्रशासन चाहे जितनी कोशिश कर ले, नाव नहीं बंद होगी। युवक बाढ़ क्षेत्र में नाव में घूम रहा है। युवक की तलाश कमासिन थाना अंतर्गत लोरा गांव में हुई है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने बयान देते हुए बताया, व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया में वीडियो डाला गया था जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने पोस्ट कर दिया, जिसमें कई जातियों को गाली देता हुआ नजर आ रहा है। एक व्यक्ति मामला दर्ज कर लिया गया है और युवक की तलाश की जा रही है। जिला ब्यूरो चीफ बांदा लाइव टीवी समाचार, प्रशांत त्रिपाठी। थाना कमासिन जनपद बांदा अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति को जात सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दी गई है। ये प्रकरण वायरल हुआ था और किसी व्यक्ति ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। ये प्रकरण संज्ञान में है, व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।